मंगलवार को शिमला के कोटशेरा कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस के जवान विद्यार्थियों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बिना चेकिंग और आई कार्ड किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। कॉलेज कैंटीन में मंगलवार को मारपीट करने वाले सभी छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। कोटशेरा कॉलेज की प्रधानाचार्य अनुपमा गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9:45 पर छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। इसमें एसएफआई छात्र संगठन से जुड़े कुछ छात्र हाथ में रॉड लेकर आए और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी मारपीट में शामिल सभी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। कल 10:45 एक स्टूडेंट्स का ग्रुप सडनली कैंटीन में आया और एक दूसरा ग्रुप जो था स्टूडेंट्स का वो चाय पी रहा था। उनकी 10:00 क्लास थी और सडनली उन्होंने अपने डंडे वगैरह निकाले, रॉड, डंडे और सरिया, और उनको मारना शुरू कर दिया। कैंटीन में CCTV लगा हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं, उसमें पूरी फुटेज में ये दिखता है कि एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को बहुत बेदर्दी से मार रहा है। तो जब हमने इसको ठीक से देखा तो जितने भी मारने वालों के बैचेस हैं वो सारे SFI के स्टूडेंट्स हैं और जिनको मार पड़ी है वो ABVP के स्टूडेंट्स हैं। लगभग 10:45 सुबह जितने भी स्टूडेंट्स थे जो मार रहे थे अंदर, जिनके हाथ में रॉड्स थे, डंडे थे और सरिया था, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है CCTV फुटेज से और टीचर्स ने सबने आइडेंटिफाई किया है जिस जिसकी क्लास के वो हैं, उनके रोल नंबर्स सब कुछ। उनके पेरेंट्स को चिट्ठियां लिख दी गई हैं, रजिस्टर्ड लेटर्स, फ़ोन पे बात हो गई है और 12 तारीख को, क्योंकि पेरेंट्स को आने को थोड़ा सा टाइम देना है, हमने 12 तारीख को 11:00 सब पेरेंट्स को बुलाया है और बच्चों को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है कि अपनी पोजिशन एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये क्यों किया। पिछले कल ही जो 9 आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स हैं, अभी और कुछ की आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है, उनको हमने कल ही इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। 12 तारीख को जब पेरेंट्स आएंगे उनसे बात होगी और उसके बाद जो है एडवाइजरी और डिसिप्लिन कमेटी, कल भी इनकी रिकमेंडेशन पे ही सस्पेंशन हुई थी और मंडे को भी हम इकट्ठे बैठेंगे, जो भी रिकमेंड सारे सीनियर टीचर्स 17-18 टीचर्स हैं इसमें करेंगे, इकट्ठे बैठ के हम डिसीजन लेंगे कि ऐसे जो तत्व हैं वो कॉलेज में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। इसके लिए पुलिस कल भी बहुत हेल्पफुल थी और आज भी पुलिस फोर्स यहाँ पर 4 हमारे पास दिए गए हैं, वो गेट पे खड़े हुए हैं, उन्होंने एंट्री पॉइंट पे सारे चेक कर रहे हैं, बच्चों के बैग्स चेक हो रहे हैं और उनका आई कार्ड चेक हो रहा है। बिना आई कार्ड के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। टीचर्स की भी डिसिप्लिन की कमेटी तो रोज होती है और बढ़ा दी गई है, 6 टीचर्स एट ए टाइम कैंपस में डिसिप्लिन ड्यूटी पे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।